हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आपसे चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट आपकी वर्कशीट नंबर वन हंड्रेड एट्टी इंग्लिश की वर्कशीट है क्लास सेकंड सेवेंटीन फरवरी आज की आपकी डेट है मेरी गोल बुक से ली गई है और चैप्टर है द मैजिक पॉट मैजिकॉरेज द मैजिक पॉरेज यहाँ पर आपको अपना नेम और यहाँ पर आपको अपना टीचर टीचर का नेम फिल करना है चलिए स्टार्ट स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वर्कशीट डियर स्टूडेंट्स हाउ हाउड यू फील इफ यू कैन गेट एनी थिंग बाय जस्ट सेविंग फ्यू सेंग अ फ्यूज मैजिक वर्ड्स लेस्ट लेट स्टार्ट अलाउड अ स्टोरी ऑफ पुअर गर्ल्स नेम तारा तो डियर बच्चों और डियर स्टूडेंट्स आपको कैसा फील होगा जब आपको कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलते ही कोई भी चीज़ मिल जाए तो एक ऐसी हम स्टोरी पढ़ेंगे एक गरीब लड़की की जिसका नाम तारा है हु गॉड आ मैजिक पॉरेज पॉट उसे क्या मिला था एक मैजिक पॉरेज पॉट तो ये पॉट उसे कहाँ से मिला कैसे मिला इस स्टोरी में पता लगाएंगे वन सपॉन टाइम एक बार की बात है लिटिल गर्ल नेम तारा लिव्ड इन लिव्ड विद हर मदर एक छोटी लड़की जो है जिसका नेम तारा था वो अपनी मदर के साथ रहती थी दे वर वेरी पुअर वो बहुत ही गरीब थे वन डे एक दिन इन द फॉरेस्ट एक जंगल में <coughs> जंगल में सी मीट ऑन सी मीट एन ओल्ड वूमेन एक वो बुरी औरत से मिली द ओल्ड वूमेन गेव हर अ मैज़िक पॉट और ओल्ड मैन ने उसे क्या दिया एक मैजिक पॉट दिया टोल्ड हर डारुड कुको देखिए वर्ल्ड पॉट स्टॉप वन अलाउड तो देखिए उस बुढ़ी औरत ने उसे बताया कि तुम इस पॉट से अगर तुम्हें बोरेज मतलब इसमें दलिया सिर्फ और सिर्फ दलिया ही बनता तो उस औरत ने कहा कि तुम्हें पोरेज बनाना हो तो तुम दो ये कुछ मैजिक वर्ड्स बोलना कुक पॉट कुक अगर तुम बोलोगे कुक पॉट कुक कुक पॉट कुक तो इसमें जो है दलिया बन जाएगा अगर तुम बोलोगे तुम्हें लगेगा कि हाँ दलिया बन चुका है तो तुम अब बोलोगे स्टॉप पॉट स्टॉप तो जैसे ही स्टॉप पॉट स्टॉप बोलोगे दलिया बनाना बंद बन कर देगा तारा रन टू हर मदर एंड हैप्पली शोड हर द मैजिक पॉट तारा भागती अपनी मम्मी के पास गई और उसने बहुत खुशी से ये मैजिक पॉट अपनी मदर को दिखाया शिशोर हर मदर हाउ द पॉट कुक पॉलेज उसने दिखाया कि अपनी मदर को कि इसमें जो पॉट है इसमें पॉलेज कैसे कुक होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कुछ लंबे समय के बाद दे एट वेल दैट दे और वो उनका खाना पीना लंबे समय के बाद काफ़ी ठीक हो गया वाओ वॉट अ मैजिक पॉट वाओ क्या मैजिक पॉट है आगे चलते हैं नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड तो चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर देते हैं जिनका आप हेल्प भी ले सकते हैं अपना टेक्स्ट बुक मेरीगोल्ड से टिक द करेक्ट बॉक्स वट डिड द हेल्प वूमेन वॉट डिड द ओल्ड गिव तारा ओल्ड वुमेन ने जो है कि तारा को क्या दिया था क्या दिया था मैजिक पॉट अब आगे चलते हैं तारा हैड टू से द वर्ड कुक पॉट कुक द कुक पोरेज इन द मैजिक पॉट नाउ ट्राई रिपीटिंग कुक पॉट कुक देखिए जब हमें पॉट में खाना बनाना होता था तारा को तो वो क्या बोलती थी कुक पॉट कुक उस तरीके से आपको कुक पॉट कुक जो है दस बार बोलना है वॉज नॉट इट फन सेंग्स दीज वर्ड्स अगेन एंड अगेन तो ये आपको जो है अगेन एंड अगेन बोलना है आप बोल नहीं पाएंगे आपकी जवान लड़कड़ आ जाएगी कुक पॉट कुक कुक पॉट कुक इस तरीके से जो है आपको दस बार बोलना है सी क्वेश्चन है आपका डू यू रिम्बर डैट तारा हैड टू से टू मेक द पॉट स्टॉप कुकिंग परिस मैजिक वर्ड्स तो चलिए यहाँ पर जो है आपको बता आपको याद है कि खाना पकाने के बंद करने के लिए स्टॉप कुकिंग के लिए मतलब जब वो दलिया बन रहा था दलिया बनने के बाद उसको स्टॉप करने के लिए क्या मैजिक वर्ड वर्ड यूज करती थी तारा तो क्या था इस्टॉप पॉट स्टॉप ये मैजिक वर्ड थे बाकी चलते हैं नेम द मैजिक पॉट कुक ओनली पोरेज द मैजिक कॉक जो मैजिक पॉट था वो सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना था परेज इफ़ यू गेट अ मैजिक पॉट अगर आपको कोई ऐसा मैजिक पॉट मिले विच फुड आइटम वुड यू लाइक टू कुक तो आप उसमें क्या पकाना चाहोगे लेटर्स ड्रॉ द पिक्चर आइटम एंड ऑल्सो राइट द नेम यहाँ पर आपको उसकी पिक्चर बनानी हो और यहाँ पर नेम लिखना है तो जैसे मैं अगर मेरे को मिले तो मैं खीर बनाऊँगी ठीक है तो ये जो है आपको बताना है चलिए अब आगे ही चलते हैं आगे, आगे जो है आपको एक सौ बीस नंबर एक सौ तीन पेज नंबर पे जो है आपकी इंग्लिश की वक बुक में एक्सरसाइज दी गई है इसी तरीके की वो भी आपको करना है तो आगे चलते हैं वक्त लेकर सुझाव दे रखा है वो पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष अट्ठाइस फरवरी को मनाया जाता है यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सत्य चंद्रशेखर बैंकट रमन ने अपनी खोज रमन रमन प्रभाव की घोषणा इसी दिन अट्ठाइस फरवरी सन उन्नीस में की थी इसी खोज के लिए उन्हें उन्नीस में नोबल पुरस्कार भी दिया गया था विज्ञान दिवस के मूल उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाना और उन्हें वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना विद्यार्थियों को विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित व आकर्षित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बच्चों टेक केयर